आप जी जी आपको एक मिनट जी जी सबसे पहले तो लाइक बच्चों के साथ का कैसा रहा एक्सपीरियंस, क्योंकि हमेशा जब भी मैं देखता हूँ बच्चों के साथ का एक्सपीरियंस बहुत ही फन है। हमने आप देखा, आपने उनके साथ बातें की, उनके साथ डांस किया, बहुत सारी एक्टिविटी भी की, तो कैसा रहा बच्चों के साथ का एक्सपीरियंस सर? उसके बाद आपको पता है कि बच्चे मेरे फेवरेट इंसान हैं। बड़ा हमेशा मज़ा आता है, लेकिन आज का दिन ख़ास है क्योंकि एक्सीड केयर्स का ये जो इनिशिएटिव है, अफसर के साथ मैं हूँ, मैं जानती हूँ उन्हें बहुत बहुत सालों से, लेकिन मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि उन्होंने अपने कंपनी को एक ऐसे इनिशिएटिव के तरफ ले गए हैं जो ना सिर्फ समाज की सेवा करता है, लेकिन आई थिंक हम में एक एहसास जगाता है जो खुशी का एहसास है, और उससे बड़ा एहसास तो कोई नहीं होता। और बच्चों के साथ जितनी खुशी महसूस होती है वो शायद ही किसी और के साथ हो। तो आज एक्सीड केयर और एंजल एक्सप्रेस के साथ, जो एक बहुत अच्छी संस्था है, जो ज़रूरतमंद बच्चे, जो स्ट्रीट सिचुएशंस में रहने वाले बच्चे हैं, उनके साथ जुड़कर, उनके साथ टाइम बिताकर, वक्त बिताकर, उन्हें लाइफ स्किल्स सिखाते हैं, एक ऐसी चीज़ें सिखाते हैं जिससे उनकी रोज़ाना ज़िंदगी बेहतर हो। और आज मैंने बच्चों से बहुत कुछ सीखा। हम एक्चुअली आए थे आज बच्चों को कुछ सिखाने के लिए, लेकिन बच्चों ने हमें बहुत कुछ सिखाया, जैसे कि हमेशा होता है, तो बहुत मज़ा आया। अगर बच्चों की बात करें तो सबसे पहले जो होती है वो एडुकेशन, और एडुकेशन को ध्यान में रखते हुए ये इनिशिएटिव जो मेन इंपॉर्टेंट है वो एडुकेशन की बात करें, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसको नहीं मिल रहा एजुकेशन। आई थिंक आई मीन हम सब जानते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन, और एक्सीड केयर्स और एंजल एक्सप्रेस ये कर रहे हैं कि ये बच्चे स्कूल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि ये बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी लाइफ स्किल्स होती हैं, कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं, ऐसी बातें होती हैं, ऐसी खुशी की चीज़ें होती हैं जो बच्चों तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे ऐसे सिटीजन्स हैं जो अपने आप को सामने लाना चाहते हैं। तो जैसे कि मैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है बच्चों के साथ वक्त बिताना, तो अफसर ने आज नहीं, किसने दिवाली के रोज़ पूछा था कि क्या आप बच्चों के साथ वक्त बिताना चाहेंगी, आपके दिवाली का गिफ्ट यही है इस बार कि आप बच्चों के साथ जाके वक्त बिताए, तो मैंने कहा ज़रूर, क्यों नहीं, आप बोलिए। अफसर जी एक साथ कुछ बोले, इससे पहले मैं एक सवाल ये पूछना कि ये लोग जो आपकी मैनेजमेंट कंपनी है, ऐसी बहुत सारी मैनेजमेंट कंपनी है जो कि बहुत ही बिजी रहती है, लेकिन आपने जैसा कि मैडम ने बोला कि दिवाली के टाइम पर आपने सोचा कि बच्चों के साथ में, ये कहाँ से ये थॉट आया कि इनिशिएटिव को सपोर्ट करना है? क्योंकि बहुत सारी कंपनी है जो अपने अपने टैलेंट में बिजी है, बट आप ये ऐसा कहाँ से आपको देखिए उसके बाद जो कुछ आपको देखिए, मुझे लगता है सब लोग अपनी अपनी तरफ से करते होंगे जो उनको करना है। मैं शुक्रगुजार हूँ दिया का कि हर साल पिछले 14 साल से जब हम लोग कुछ ना कुछ हर दिवाली पे करते हैं, और दिया के साथ हमारा रिश्ता बहुत पुराना है, मेरे लिए एक बहुत खूबसूरत इंसान है, और जब हमने ये डिसाइड किया कि हर साल जो हम कर रहे थे इस बार एक इनिशिएटिव करेंगे जहाँ पे मेरी टीम और जितने लोगों के साथ हम काम करते हैं वो सब अपना वक्त देंगे। बाकी चीज़ें देना बहुत आसान है, बट वक्त निकालना बहुत मुश्किल है। तो दिवाली के दिन जब मैंने दिया से बात की, आई वॉज़ मोर देन हैप्पी दैट शी वॉज़ द फर्स्ट वन टू अग्री टू गिव द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हर लाइफ दैट इज़ सम टाइम टू द चिल्ड्रन हियर। सो आई एम रियली रियली थैंकफुल ऑन बिहाफ ऑफ एक्सीड दैट शी डिसाइडेड टू लॉन्च दिस इनिशिएटिव, रियली रियली थैंकफुल। बड़ा मज़ा आने वाला है क्योंकि इनके सारे जो आर्टिस्ट हैं और जितने भी इनके टीम मेम्बर्स हैं उन सबको इतनी खुशी मिलने वाली है इन बच्चों के साथ वक्त बिताकर, बहुत अच्छा होगा। How was it like being with the kids and like you are always there for any social cause? We talk about children, what is something very really dear to you which really want to work for the children? You know, as a developing nation, we have so many children that need, that should be guaranteed the right and the access to things that we take for granted because we are privileged. While it breaks my heart, it's also very encouraging to see that organizations like Angel Express exist. I've of course been associated with some organizations that you're all aware of, but it's very heartening to see that
इवन विद इन दी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सब अपने लेवल पे कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं और वो बहुत अच्छी बात है. लाइक टू काइंड ऑफ सिस्टमैटिकली अप्रोच इट एंड डू व्हाट एक्सीड डिड दिस ईयर विद एक्सीड केयर्स एंड से लिसन लेट्स कोलैबोरेट विद एंजल एक्सप्रेस लेट्स गेट आवर आर्टिस्ट टू मेक टाइम टू स्पेंड विद दीज चिल्ड्रन बिकॉज देयर इज नथिंग मोर इनवैल्यूएबल. आई थिंक इट्स अ वंडरफुल थिंग बिकॉज अगर बच्चों इफ किड्स इफ देयर लाइव्स एंड देयर लाइवलीहुड्स एंड देयर एक्सेस हैज टू चेंज एंड इम्प्रूव इट विल ओनली बी पॉसिबल when we become a bridge and we become providers of those life skills, of that information. There are so many people who come and teach kids photography, dance, painting, elocution, mathematics, and they're having fun while doing it. You must have noticed today that they were teaching me about waste management and how they are beating plastic pollution and how they've discontinued using plastic bags. So they know. And when children know, society knows better. And we are seeing such a big change, not just in India, but the world over, in people's understanding of what is right, what is fair, what is equal, because children are raising their voices, and it's so encouraging. Yeah, what are your projects we're talking about? What's happening next? What's keeping you excited also? Well, it's been a very interesting year for us. A Kafir was special. We've got like wonderful opportunities because of that, but more than anything else, it's such a special story to us and the fact that we could be a part of that story. There's some very exciting work on the anvil that's coming up next. I had a great year with the UN and with Save the Children, and it's just really nice to be able to do the work that you love and to be able to continue to expand your opportunities in areas that you you enjoy. So it's been a good year. Thank you. And last question. यार ये बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं है. दिया ने आज आकर इस चीज़ का उद्घाटन कर लिया और काफ़ी आसान है. अगर हम लोग को एक एक घंटे निकालने हैं, मेरी टीम में 80-90 लोग हैं और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मेरे और जितने आर्टिस्ट हैं और जिनके साथ हम काम करते हैं वो सब आकर अपना वक्त देंगे यहाँ पे. इट शुडंट बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर अस. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.